हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइफ एक्स में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि फायदे ही नहीं नुकसान भी पहुँचाती है दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे घर में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली दालचीनी फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, दालचीनी इसका ज्यादातर इस्तेमाल रसोई घर में किया जाता है। दालचीनी ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि आपकी सेहत पर गजब का फायदा भी करती है। दोस्तों, अभी तक आपने दालचीनी के फायदों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने इससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दालचीनी से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक, लीवर खराब। दोस्तों, दालचीनी में 5% कुमरीन पाया जाता है। अगर नियमित रूप से इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो यह लीवर खराब होने का कारण भी बन सकती है। बेहतर होगा कि आप इसका ज्यादा सेवन ना करें और इसका सीमित मात्रा में उपयोग कर अपने लीवर को खराब होने से बचाएं। नंबर दो, त्वचा में जलन। दोस्तों, अगर आप दालचीनी का तेल अपनी स्किन पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो जरा संभल जाएं, क्योंकि इसका तेल इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप दालचीनी के तेल का भी सीमित मात्रा में उपयोग करें। नंबर तीन, पेट में जलन। दोस्तों, नियमित रूप से अगर दालचीनी का सेवन किया जाए तो ऐसे में पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है। बेहतर होगा कि आप इसका सेवन कम से कम करें ताकि आप पेट में जलन की समस्या से बच सकें। नंबर चार, समय से पहले प्रसव। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है और कुछ मामलों में तो यह समय से पहले प्रसव का कारण भी बनता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपको यही सलाह देंगे कि गर्भावस्था के दौरान दालचीनी का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर पांच, खून पतला। दोस्तों, दालचीनी का अधिक सेवन करने से खून पतला भी हो जाता है, इसीलिए दालचीनी का ज्यादा सेवन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में दालचीनी का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इसका जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का खास टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि फायदे ही नहीं नुकसान भी पहुंचाती है दालचीनी। दोस्तों, अगर आप भी दालचीनी के इन साइड इफेक्ट से अभी तक अनजान है और अपने घर में नियमित रूप से दालचीनी का सेवन कर रहे हैं तो आप अपनी इस आदत को जल्द से जल्द बदलें इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में हम आपको यही सलाह देंगे कि दालचीनी का कम से कम सेवन करें और खुद को इन सभी समस्याओं से दूर रखकर स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।